अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग साइट। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है? अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ये हमारे पास जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है हमारे प्रोग्राम में, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। एट एग्जीक्यूट व्हेन कॉल, ये तब एग्जीक्यूट होती है जब हम इसे कॉल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो लिखते हैं और फिर उसको सिर्फ कॉल करते हैं तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाती है। जब हमें ज़रूरत होती है तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम दोबारा नहीं लिखते, बस वही फंक्शन जो है उसको कॉल करते हैं और हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म कर देती है। व्हाई डू वी नीड अ फंक्शन, तो हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों है? तो फंक्शन जो है हमारे प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है वो बनाते हैं और इसे फिर अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। तो इट रिड्यूस कोड रिडंडेंसी, ये हमारे पास कोड रिडंडेंसी जो है वो कम करती है। मतलब ये कि मुझे जो है वो कोड, वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो बार बार लिखना नहीं पड़ता, बस एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, फिर उसको सिंपली एक लाइन से उसका नाम लिख के मैं इसे कॉल करता हूँ। इसके बाद आता है फंक्शन मेक कोड मॉड्यूलर, तो ये हमारे पास कोड को है वो मॉड्यूलर बनाती है। तो मॉड्यूलर का मतलब क्या है? सिंपली कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको मैं छोटे छोटे इंडिविजुअल जो है पार्ट्स में तकसीम करता हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ मॉड्यूलर। ये सेपरेट और इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं। फंक्शन के थ्रू जो है हम अपने प्रोग्राम को इस तरह मॉड्यूलर बनाते हैं। फंक्शन प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले से मौजूद फंक्शंस है जो हम अपने फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सी प्लस प्लस को जिसने बनाया है, डेवलप किया है, उन्होंने इसमें जो है प्री डिफाइंड फंक्शन भी डेवलप्ड की है, बहुत सारे हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसके सिर्फ कॉल करके उसे हम जो है वो जो स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म कर देते हैं। इसके बाद है फॉर्ट्स ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन के फॉर्ट्स क्या है? सबसे पहले है फंक्शन डिक्लेरेशन, इसके बाद आता है फंक्शन कॉल, इसके बाद आता है फंक्शन डिफिनीशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या चीज़ है? फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन। द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो कंपाइलर को ये बताती है कि नीचे हमारे पास इस नाम का एक फंक्शन आ रहा है और उसको इस तरह हम कॉल करेंगे। अगर फंक्शन डिक्लेरेशन सी प्लस प्लस में ना हो, जावा में ऐसा नहीं होता, जावा में फंक्शन डिक्लेरेशन जो है इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सी प्लस प्लस में जो है फंक्शन डिक्लेरेशन ज़रूरी होती है। अगर हम कंपाइलर को पहले से ये नहीं बताते कि नीचे एक फंक्शन आ रहा है जिसका ये नाम है और ये इसका पैरामीटर लिस्ट है, ये इसका रिटर्न टाइप है, तो फिर जो है वो वहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक एरर जनरेट होती है। फंक्शन डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं? रिटर्न टाइप लिखते हैं फंक्शन के, फर्ज करें मैंने रिटर्न टाइप लिखा, वाइड लिखा, एंट लिखा, फ्लोट लिखा, इसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं और पैरामीटर लिस्ट जो है वो पास करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक फंक्शन बनाया सम, उसका रिटर्न टाइप क्या है? वाइड, और दो एंटीचर्स जो है वो मैंने उसे पास किए हैं, एंटीचर ए और एंटीचर बी। इसके बाद आता है फंक्शन कॉल, तो फंक्शन कैंट बी एग्जीक्यूट विदाउट कॉलिंग इट, फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। तो फंक्शन जो है हम कॉलिंग के बगैर जो है उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और फिर उसे डिफाइन करते हैं, जब तक हम अपने प्रोग्राम में उस फंक्शन को कॉल नहीं करते तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारे प्रोग्राम में। तो फंक्शन जो है हम मल्टीपल टाइम्स कॉल भी कर सकते हैं, ये फायदा भी है। और फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं? सिर्फ उसका नाम लिखते हैं, फंक्शन नेम लिखते हैं, और इसमें पैरामीटर जो है वो पास करते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन डिफिनीशन कंटेन द एक्चुअल वर्क। तो हमारा जो सारा के सारा फंक्शन का जो काम है वो हम फंक्शन डिफिनीशन में लिखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या करेगी। तो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं उसको हम फंक्शन
डिफिनीशन में लिखते हैं। फंक्शन डिफिनीशन किस तरह होता है? रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नेम होता है जो हमने पहले से डिक्लेयर की हुई है, और इसके बाद जो है हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं और फिर बॉडी ऑफ द फंक्शन होते हैं। तो जो कोड, जो ब्लॉक ऑफ कोड्स हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो हम अपने बॉडी ऑफ द फंक्शन में लिखते हैं। तो सम हमारे पास क्या है? नेम ऑफ द फंक्शन है। वाइड मीन्स दैट द फंक्शन डजंट रिटर्न, डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू। इसके इस फंक्शन के हमारे पास कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। इसके बजाय मैं यहाँ पे एंड भी लिख सकता हूँ कि ये जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी, और ये ब्रैकेट जो है ब्रेसिस में ये हमारे पास बॉडी ऑफ द फंक्शन है। तो इस फंक्शन को प्रैक्टिकली करने के लिए मैं अपने कोड ब्लॉक में आता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें मैं दो वेरिएबल जो है वो सम करूँगा। तो मेरे पास एक फंक्शन है void sum और इसका एक इंटीजर है a और दूसरा इंटीजर है b। इसके बाद मैं यहाँ पर आकर फंक्शन को इस मेन फंक्शन से बाहर निकलकर यहाँ पर एक फंक्शन को, इस फंक्शन को मैं डिक्लेयर करूँगा। यहाँ पर भी हम इसे डिफाइन करूँगा, यहाँ पर भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि void sum, हमारे पास दो वेरिएबल है, अगर मैं इसे a की वैल्यू a b की वैल्यू देना चाहता हूँ, या फिर मैं इस तरह करता हूँ कि इंटीजर x और इंटीजर y, ये कोई मसला नहीं करता। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक इंटीजर, दूसरा इंटीजर लूँगा c इज इक्वल टू c, और यहाँ पर मैं c इज इक्वल टू x प्लस y। तो मैंने क्या किया, दोनों इंटीजर्स को है, दोनों वेरिएबल जो है उसको मैंने सम कर दिया। अब मैं यह करूँगा कि c आउट सम इज इक्वल टू सी, और यहां पर ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन डिफिनीशन हो गया। अब यहां पर मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, फंक्शन को मैं कॉल करता हूं कि सम, और दो पैरामीटर पास करता हूं यहां पर ए के लिए और बी के लिए। तो मैं 5 और दूसरा जो है वो 8 वेरिएबल जो है वो पास करता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर वो जो है उसको ये हम डिक्लेयर करेंगे कि नीचे एक फंक्शन आ रहा है सम के नाम से, उसका जो रिटर्न टाइप है void है, और पैरामीटर लिस्ट में उसके पास दो वेरिएबल होंगे, एक होगा a और दूसरा b। तो यहाँ पर आकर मेन फंक्शन में जो है हमारा प्रोग्राम, सबसे पहले कंपाइलर जो है वो मेन फंक्शन पे आता है। तो मेन फंक्शन में यहाँ पे आकर वो इस सम फंक्शन को कॉल करेगा, और इसमें दो पैरामीटर पास करेगा, एक 5 और एक 8। ये यहाँ पे पास होके यहाँ पे आ जाएगा इस सम में, जब ये कॉल होगा तो ये फंक्शन हमारे पास फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर इस x और y में आ जाएगा। यहाँ पर x और y को हमने प्लस करके एक दूसरे वेरिएबल c में जो है वो पुट किए है, c में असाइन किए है, और यहाँ पर c को हमने प्रिंट किया है। तो ये क्या करेगा, 5 और 8 को यहाँ पे 5 और 8 को प्लस करके c में स्टोर करेगा और c प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम को मैं बिल्ड इन रन करता हूँ, तो ये आ गया हमारे पास 13, हमारे पास जो 5 और 8 है वो सम हो गए और 13 आंसर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल दोबारा कॉल करता हूँ कि सम, और यहाँ पे लिखता हूँ 10 और दूसरा 20 लिख देता हूँ, मल्टीपल टाइम्स में फंक्शन को कॉल करता हूँ, फिर सम और दो और वेरिएबल में 25 और 25 ये वैल्यू लगा देता हूँ। तो अब क्या करेगा, इस दफा जब फंक्शन आएगा यहाँ पर, जब कंपाइलर आएगा तो फंक्शन को कॉल करेगा और हमें रिजल्ट देगा 5 और 8 को प्लस करके। इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा 10 और 20 को प्लस करेगा, इसके बाद जो है 25 को यहाँ पर
जो है वो पास करेगा, और 25 और 25 प्लस होके 50 हमें फ्रेंड करेगा। तो ये देखे, ये हमारे पास जो है वो ब्लॉक अप कोड है, एक दफा हमने लिखा है लेकिन हमने 3 दफा इसे एग्जीक्यूट किए। ये सम इज इक्वल टू, एक दफा 13 आ गया, दूसरे दफा 30 आ गया, 10 और 20 को प्लस करके, और फिर तीसरी दफा हमारे पास 25 25 को प्लस करके 15 आ गया। तो ये सिंपली हमारे पास क्या था, फंक्शंस था। हमने जो है उसे सिंपली एक प्रोग्राम बनाया दो नंबर को सम करके। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से, यहाँ पर यूज़र से दो इंटीजर ले और फिर उसको इनपुट को यहाँ पर पास करके उसको प्लस करें।